आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं किंग कोहली। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक लंकाई टीम ने उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां, आखिर कैसे वापसी के साथ ही विराट ने इस बार लंका का घमंड कुचलते हुए लहराया अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ा खुद सचिन तेंदुलकर को भी पीछे, उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे की समाप्ति के बाद आखिरकार ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने लंका की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पहले टेस्ट मुकाबले में एक नया इतिहास लिखा जाना था, लंका का घमंड भी आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर विराट कोहली अपनी वापसी के साथ ही लंका के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को वनडे की तरह टेस्ट सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी श्रीलंका टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जहां विराट ने अपनी पहली चुनौती में ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। जी हां दोस्तों, आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, दूसरे टेस्ट के पहले दिन कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन यह टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। रोहित से लेकर शुभमन गिल, यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में श्रीलंका तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगे थे, ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में टीम इंडिया की बैकबोन विराट कोहली एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने कासुन रजिथा की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि लंका की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील करते हुए पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए कमिंडो मेंडिस की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के बटोरकर इस गेंदबाज को दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते खूंखार विराट ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 26 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहाँ भारतीय खेमा रोहित गंभीर से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे लंकाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहाँ से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर लंका के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए विराट ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने दुश्मनता चमीरा की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि वो विराट कोहली केवल 41 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरे स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए करुणा रत्ने के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर विराट कोहली ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 42 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, केवल इतने में ही उसका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 55 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो लंका के खेमे में। उनके अद्भुत बल्लेबाजी ने तो लंकाई टीम की शामत हिला दी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरों पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में लंका के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट में कौन बाजी मार पाएगा? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांसें रोक देने वाला पहला टी20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले टी20 मैच में रौंदने के लिए कप्तान सूर्या ने मैदान में रख दिए अपने कदम। इंडिया और बांग्लादेश के बीच बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला सबसे बड़ा पहला टी20 मैच 11 खूंखार शेरों के साथ बनाई है अब तक की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले टी20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन है ये टी20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मजल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के सामने एक नई चुनौती है और एक चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से 2-2 हात करने के लिए तैयार हो चुकी है। और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज का ऐलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी कि पहले कभी नहीं देखने को मिली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम है ही, वहां के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है, इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहला टी20 मुकाबला 20 अगस्त को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली जहां 22 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में 2-2 हाथ करते नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रही क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखाई देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक है ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते नजर आएंगे जिन्होंने पिछले टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था, साथ ही साथ वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था लेकिन टी20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर सातवें और आठवें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज दोनों में लाजवाब प्रदर्शन किया था। नौवें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
दोस्तों अगर आप भी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टेस्ट टीम से मिस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक चलकर अजिंक्य रहाणे ने रच दिया इतिहास। बीसीसीआई को जवाब देते हुए टीम में वापसी के दे दिए संकेत। जी हां दोस्तों, भारत के महान बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने दिलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया है और भारतीय टीम के अंदर वापसी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस बीच उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए मैदान पर एक ऐसा तहलका मचाया है जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया है। तो आखिरकार अजिंक्य रहाणे ने किस प्रकार से दिलीप ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम में वापसी के संकेत दे दिए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद बांग्लादेश की टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने की तैयारी में लगी हुई है। इस बीच भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में अपना बेहतर प्रदर्शन देकर भारतीय टीम के अंदर एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल दिलीप ट्रॉफी का आयोजन भारत में हो रहा है, जहां पर भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खेलते हुए आप देखने वाले हैं, जहां पर तमाम खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।